हेलो फूडीज, वेलकम टू माद्रिस फूड स्टूडियो। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ, आंवले का मुरब्बा। इसको मराठी में मोराळा भी बोलते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो 500 ग्राम आंवला, जिसको मैंने अच्छे से धो के ड्राई करके लिया है। अभी इसको ग्रेट करके लेना है। आंवले में अच्छे क्वांटिटी में विटामिन सी होता है, इसकी वजह से इम्यूनिटी बढ़ता है और वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये प्रिवेंट करता है, लाइक कोल्ड एंड कफ, जो कि करंट सिनारियों में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमें आंवला डेली खाना चाहिए। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं घी 1.5 टेबल स्पून, अभी घी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे ग्रेटेड आंवला, ये हाफ के जी है, इसको अच्छे से भून के लेना है। इसको लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए भून के लिया है। अभी इसमें हम डालेंगे गुड़, वो भी सेम क्वांटिटी में लिया है, आधा किलो। गैस का फ्लेम लो ही रखना है और इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। अभी गुड़ डाल के 10 मिनट हो चुके हैं। एवरी 5-10 मिनट्स में इसको ऐसे मिक्स करते रहना है, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अभी गुड़ डालने के बाद ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो चुके हैं। एवरी 5-10 मिनट्स बीच बीच में हम इसको मिक्स कर रहे थे। अभी अच्छे से पक चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू टेस्ट। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा है। इसको बस 5 मिनट के लिए थोड़ा सा गाढ़ा होने तक अभी पकाना है। अब ये 3 मिनट के अंदर ही गाढ़ा हो चुका है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, बस ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा एंड इट्स डन। और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन पे क्लिक करना फॉर लेटेस्ट अपडेट।